देखने में 2 लाख का बंडल बहुत ज्यादा हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप ये पैसा कमा सकते हैं सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। ये चीज पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल एडसेंस। अगर आपको भी इतना पैसा कमाना है 2 दिन के अंदर, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस दिवाली अपने लिए बम्पर पैसा कमा सकते हैं यूजिंग आर विशिंग वायरल स्क्रिप्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एंड गाइज, इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 500 लाइक्स। तो यार जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप ये जो टारगेट है 500 का, इसे जल्दी से कंप्लीट कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं, तो मेक श्योर आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि जिस दिन हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो शायद हम आपके लिए कोई 50,000 रुपए का गिव अवे भी ले आए। ये बंडल आप में से किन्हीं लकी विनर्स को मिल सकता है, तो मेक श्योर आप रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, ताकि आप हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ। गाइज, ये जो मैंने दिवाली की स्क्रिप्ट बनाई है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस स्क्रिप्ट है, और इसका वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखते रहे। गूगल एडसेंस को यूज करने का मेन रीजन ये है कि गाइस, जैसे आपको पता ही होगा कि अमेज़न पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल करके सेल चल रही है, और फ्लिपकार्ट पे भी द बिग बिलियन डेज की सेल चलेगी। तो जब ये सेल्स चलती हैं, उस टाइम पे जो गूगल पे एड्स आती हैं, वो बहुत ज्यादा एड्स आने लग जाती हैं, और उसकी वजह से आपको अच्छी खासी अर्निंग होती है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ द प्रीवियस मंथ्स। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इस वायरल स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले गूगल का एडसेंस अप्रूवल ले लें। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, तो हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के अच्छे से पता कर सकते हैं कि कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इस स्क्रिप्ट को यूज करें, क्योंकि अगर आप अपनी विशिंग स्क्रिप्ट को किसी और एड नेटवर्क से मोनेटाइज करेंगे, तो शायद आपको इतना ज्यादा बेनिफिट ना हो, आप शायद ज्यादा पैसे ना कमा पाए। बट अगर आप अपनी विशिंग स्क्रिप्ट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करते हैं, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी दिस दिवाली। सो मेक श्योर, अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, तो पहले आप एडसेंस का अप्रूवल ले लें अपनी डोमेन पे, ताकि आप एडसेंस का कोड लगा सकें। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग बाद में हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि सर मैं एडसेंस का कोड लगा रहा हूं, वो शो नहीं हो रहा है। तो उसका मेन रीजन ये रहता है कि आपकी जो डोमेन होती है जिसको आप यूज करते हैं, उस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला होता। आप किसी और साइट के एडसेंस को अपनी इस साइट पे लगाते हैं, एंड उसकी वजह से वो एड शो नहीं होते। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, दैट इज कि आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है। गाइज, अगर आप जल्दी एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो फ्री डोमेन्स हैं, और जो .blogspot.com और जो .wordpress.com डोमेन्स रहती हैं, उनको यूज ना करें। आप पेड डोमेन्स को यूज कीजिए, स्पेशली .com डोमेन को, उससे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ, होपफुली आपने देख लिया होगा। एडसेंस अप्रूवल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, दैट इज हमें कोड को एडिट करना है, कोड में हमें एड प्लेसमेंट्स करने हैं। गाइस, इस बार जो मैंने कोड क्रिएट किया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, इसे बहुत इजिली आप एडिट कर सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अपने एड प्लेसमेंट्स पे ध्यान देना है। तो उसे कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस, दिवाली स्क्रिप्ट को एडिट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यार स्क्रिप्ट दिखेगी कैसे। तो सबसे पहले आपको ये कलश दिखेगा, कलश पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, तो ये डोर वाला एनिमेशन दिखेगा, एंड उसके बाद आपको दिख रहा है हैप्पी दिवाली इन एडवांस, नीचे टाइमर भी दिया हुआ है 28 डेज लेफ्ट, एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस लगी हुई है। इन्हीं एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं एड्स की वजह से आपको हायर रेट्स मिलेंगे, हायर एड कवरेज मिलेगा, और उससे आपका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा होगा इस दिवाली के सीजन में। सो मेक श्योर आप अपनी स्क्रिप्ट को सिर्फ गूगल एडसेंस से ही मोनिटाइज करें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तभी आप किसी और एड प्लेटफॉर्म पर जाएं। नीचे आप स्क्रोल करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑडियो प्लेयर भी दिख रहा है, यहाँ से आपका ऑडियो भी प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे अपना नेम डालना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके ऊपर दिखा देता हूँ वेबबीस्ट डाल के। सो जैसे ही आप इधर नेम डालेंगे, तो आपको ऊपर दिखेगा वेबबीस्ट की ओर से हैप्पी दिवाली इन एडवांस, इतने डेज लेफ्ट, फिर से आपको एडसेंस दिख रहा है, यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं, एंड नीचे आपको दिख रहा है शेयर विद योर फ्रेंड्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपने जो भी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके सेंड का बटन दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा, वेबबीस्ट ने आपको कुछ खास भेजा है, नीचे दी गई ब्लू लाइन को क्लिक करें, एंड वहां पे आपको मेरा वेबबीस्ट नाम भी दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसको सेंड कर देंगे, तो ये आपके जो भी फ्रेंड फैमिली होगा उसके पास चले जाएगा, एंड जैसे ही वो इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उनका जो UI खुलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से उनको दिखेगा कि इस कलश को टच करें, जैसे ही वो इस कलश को टच करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर दिख रहा है गाइज वेबबीस्ट की ओर से हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड गाइज आपको यहाँ पे भी एड्स दिख रही हैं। यही वो एड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हायर CPC एड्स, जिनका फिल रेट बहुत ज्यादा होगा दिवाली के टाइम पे। तो यही आपका चांस है हायर अर्निंग करने का, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर जाए इस दिवाली स्क्रिप्ट से। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड जैसे जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसे सेम करें, कुछ भी स्किप ना करें, ताकि आप कहीं कुछ मिस ना कर दें। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए दिवाली स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते
सकते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे blogger.com पे। blogger.com पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट योर ब्लॉग पे। मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। सो गाइस हमारा ब्लॉगर खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करूंगा, तो आपको भी सेम वे में करना। तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से देखते रहें। अगर आप कुछ भी स्टेप मिस करेंगे तो शायद आपकी स्क्रिप्ट मेरी स्क्रिप्ट की तरह वर्क ना करे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये पूरा प्रोसेस देख लें अगर आपने एक बार देखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे पिछले मेथड से। सो आप इसको ध्यान से देखते रहें। सो गाइज अब टाइटल ये सब मैं भर देता हूँ। सो गाइज जो हमें एड्रेस मिला है दैट इज हैप्पी दिवाली स्क्रिप्ट 2019.blogspot.com एंड आई विल गो विद दिस इथीरियल थीम। आप इसी को सिलेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम आएगी देन आई कैंट डू एनीथिंग। सो आप इसी चीज को देखें। सो क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करते हैं एंड गाइस अब हम जाएंगे थीम पे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमें करना है दैट इज कि हमें इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हम इस नो को सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव कर देंगे। एंड इसके सेव होने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिवर्ट टू क्लासिक थीम्स पे एंड यहाँ से करेंगे रिवर्ट टू क्लासिक थीम, दोबारा क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको गाइस यहाँ पे नीचे कोड दिख रहा होगा, हम यहाँ पे कोड को सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। एंड अब आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से आपको हमारी स्क्रिप्ट का फुल एक्सेस मिल जाएगा। आप वहां से स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। सो वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। एंड यहां पे जो भी लिखा हो आपको इसे सबको सिलेक्ट कर देना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। आपको भी गाइज सेम वे में इसे कॉपी करना है एंड जो भी आपने कॉपी किया उसे यहां पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गाइज मैं यहां पे सेव थीम पे क्लिक करूंगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, फाइनल सेव करने से पहले हम ये जो ब्लू लिखा हुआ है इसे हम यहां पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से एक हेडर दिखता है अनोइंग सा, सो वो रिमूव कर देना हमें। तो गाइज थीम को सेव करने के बाद अगर मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो रेडी है। इस क्लश पे क्लिक करके आपको जो बड़ा सही सा इफेक्ट दिखेगा डोर ओपनिंग का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो हैप्पी दिवाली की जो आपकी विश है वो क्रिएट हो चुकी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई एड वैड नहीं दिख रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एड्स कैसे ऐड करनी है। तो गाइज जो गूगल की एड्स हैं वो किसी भी डोमेन पे अगर आपको ऐड करनी है तो सबसे पहले आपको उस पर अप्रूवल लेना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, आपको जानना है कैसे एडसेंस अप्रूवल देता है बहुत जल्दी, तो मेक श्योर आप हमारा वीडियो देखें एडसेंस अप्रूवल का। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, वो भी सबसे पहले सबसे तेज। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि विदाउट एडसेंस आपको बहुत कम अर्निंग होगी और जो भी दिवाली की अर्निंग का पोटेंशियल है उसे आप कंप्लीटली नहीं ले पाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी स्क्रिप्ट को सिर्फ गूगल एडसेंस से ही मोनेटाइज करें, किसी और एड प्लेटफॉर्म पे ना जाएं अगर आप अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप कम अर्निंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो देन ओनली गो फॉर सम अदर एड नेटवर्क्स या फिर अमेजोन एफिलिएट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे एंड एडसेंस का अप्रूवल जब आपको किसी डोमेन पे मिल जाएगा तो फिर आप उस डोमेन को यूज कर सकते हैं मोनेटाइज करने के लिए यूजिंग गूगल एडसेंस। उस पर आप अपना एड कोड लगा सकते हैं। एंड ये जो स्क्रिप्ट है ये फुल्ली कस्टमाइज्ड है, इस पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस आपको अपना ऐड कोड जो आप जनरेट करेंगे तो मैं आपको वो पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक सैंपल सा ऐड कोड मैंने रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो ऐड कोड है ये हमें पेस्ट करना है। आप यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट वाले में आ सकते हैं एरिया में दोबारा से। यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा एडसेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बची हुई है। इस ब्लैंक स्पेस में के बीच में आपको अपना एड बैनर लगाना है। एंड गाइज आई वुड रिकमेंड कि जो आप एड कोड लगाएंगे उसका जो विड्थ और हाइट है वो फिक्स्ड रहे। विड्थ होनी चाहिए 336 पिक्सल्स और हाइट होनी चाहिए 280 पिक्सल्स टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू। गाइज हमने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में ये चीज देखी है कि आप अगर इस बैनर का यूज करते हो तो आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलती है एज कम्पेयर टू एनी अदर बैनर, चाहे वो रेस्पॉन्सिव हो या फिर वो शॉर्ट बैनर हो। बहुत सही सा डिसेंट सा आपको बैनर मिलता है। एंड जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे, सो आई विल रिफ्रेश दिस। सो गाइज वहां पे जब आप अपना एड बैनर पेस्ट कर दोगे तो आपको जो हमारे ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे आपको इस एरिया पे आपको एड दिखेगा। मैं आपको एक सैंपल एड दिखा देता हूँ। तो गाइज अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरी खुद की स्क्रिप्ट है जिसपे मैंने खुद ये बैनर लगाए हुए हैं सेम वे में। सो मैं इसका भी URL नहीं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। सो आप देख सकते हैं इसमें कैसा बैनर आपको दिखेगा, बैनर का इंप्लीमेंटेशन कैसा दिखेगा। तो जैसे ही आप इसको स्क्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ये जो देखो ये बैनर है, ये जो गूगल एडसेंस का बैनर आपको दिख रहा है और ये बहुत सही से आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। सो गाइज ये जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है इसमें जो भी आप नेम डालेंगे उसके नेम के साथ ये जो स्क्रिप्ट है ये जाएगा, ये जो विश है वो जाएगी। सो जो भी आपका फ्रेंड होगा, रिलेटिव होगा, वो इस स्क्रिप्ट को देखकर उसे पता लग जाएगा कि आपने इसको विश किया है। एंड हमने यहाँ पे बहुत सही से बनाई हुई है ये स्क्रिप्ट एंड इसमें हमने टाइमर भी लगाया हुआ है जहां पे आपको दिख रहा है कि 28 दिन रहते हैं। गाइज ये जो 28 दिन है इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप इस 28 दिन में एक
ब्लॉग पे वर्क करते हैं, वहां से एक एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव डोमेन नहीं है। अगर है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मेक श्योर आप इस 28 दिनों का जो आपका प्लस है, जो आपके पास ये अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है अभी, कि आपके पास 28 दिन पहले ही स्क्रिप्ट आ गई, आप इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दें, आप अपने लिए एक एडसेंस अप्रूवल ले लें एक डोमेन पे, एंड देन आप वर्क करें इस दिवाली विशिंग स्क्रिप्ट पे। एंड 28 दिन में गाइज आप अपनी स्क्रिप्ट को वायरल करने में जो भी कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके हो, या फिर आप फेसबुक ग्रुप पे जाके अपने लिंक को शेयर करके प्रमोट करें, तो गाइज आपको ये स्क्रिप्ट को वायरल करना है। अगर ये स्क्रिप्ट वायरल हो जाती है तो आपकी भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है इस दिवाली के सीजन में, क्योंकि अभी आपको भी पता होगा कि जो बिग बिलियन डेज की सेल है और जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है फ्रॉम अमेजोन, इन दोनों की सेल्स भी स्टार्ट होंगी फ्रॉम 29th। ये जो दिवाली का टाइम है, इस टाइम पे जो कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं एडवर्टाइजमेंट में, एंड इनके जो जो फेस्टिवल्स हैं, ये जो बिग बिलियन डेज हो गया या फिर ये जो ग्रेट इंडियन सेल है, इसमें ये बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एंड वो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो यूट्यूब पर और एडसेंस पर अच्छे खासे तरीके से दिखती हैं, एंड अच्छी खासी अर्निंग होती है पब्लिशर्स को। आपने देखा होगा जो भी यूट्यूबर्स हैं वो जनरली स्पीक करते हैं कि जो भी ये जो डेज होते हैं दिवाली के आसपास के, यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होती है ऑनलाइन मार्केट में भी एंड ऑफलाइन मार्केट में भी। एंड आई होप कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें एंड आप इसको ग्रैब कर लें 28 दिन पहले। आपके पास अच्छे खासे दिन है जहां पे आप वर्क कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट पे, इसे वायरल कर सकते हैं एंड अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आपने देख लिया हो कैसे आपको एड्स प्लेसमेंट करनी है अपनी विशिंग स्क्रिप्ट पे, कैसे आपको क्रिएट करना है और उसका फुल जो प्रोसीजर है वो आपने देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मेक श्योर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप उस रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के वेब बीस्ट फैमिली का पार्ट बन जाए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड, ब्लॉगिंग के रिलेटेड या फिर किसी विशिंग स्क्रिप्ट के रिलेटेड वीडियो बनाएं, कोई भी अपडेट लाएं, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और हो सके तो आप उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनीथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग, तो मेक श्योर आप उसे कमेंट्स में जरूर पूछें एंड हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।